हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व को देश भर के हर कोने में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। होलिका दहन का पर्व आज यानी 24 मार्च 2024 रविवार को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की राख आपका जीवन बदल सकती है? आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। किसी के घर में रोग है, लगातार रोग बीमारी बनी रहती है, ऐसे लोग भी जैसे घर में एक डंठल वाले पान में लौंग काली मिर्च और उसका एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके और जलती हुई जो होलिका है उस होलिका में के तीन परिक्रमा करके वो डाल दे तो उसके घर में रोग की शांति होती है। ऐसे क्या आप जानते हैं कि होलिका की भस्म होली की राख चमत्कारिक शक्ति से संपन्न होती है जिसका प्रयोग कर वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को परास्त किया जा सकता है। होली की अग्नि की दहक अनेक प्रकार के बैक्टीरिया एवं रोगों का निराकरण करती है, इसी कारण होली की परिक्रमा एवं होली के भस्म का प्रयोग अति महत्वपूर्ण रहता है। होली पूजन एवं होलिका दहन के पश्चात होली की भस्म घर लाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि घर में इसे रखने से सभी प्रकार की बुरी आत्माएं घर से पलायन कर जाती है और वो घर वर्ष भर के लिए सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। हमारे गोमती चक्र है, गोमती चक्रों का भी प्रयोग है, उसका भी उसमें विधान है और फिर उसमें बाद में उसकी जो राख है जली हुई राख उसको भी घर में ले जा करके हम रखते हैं तो उससे भी रोग निवारण होता है। तो इसके पीछे वही आयुर्वेद का ही कारण है क्योंकि वो सब औषधियाँ हैं और औषधियाँ जल के भस्म हो जाती और हमारे आयुर्वेद में भस्म खाने का भस्म को लेपन करने का विधान है तो उस दृष्टि से भी वो वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा यदि घर में या हमारे सोच में नकारात्मकता आ गई उससे भी हमको फायदा मिलता है। यदि ये जो इसमें हमारे ऐसा बना मानते थे कि जब पूरा जब होली हो जाती थी तब ये राख लगाते थे अपने शरीर पर और नहाते थे पानी से नहाते, तो एक तरीके से ये पूरी भस्म अपने शरीर पर लगा के नहाने वाला जो विधान है जैसे यज्ञ की भस्म हम लगाते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। लोकल 18 खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।